स्टूडेंट ध्यान दो, अभी हम कौन सा फॉर्मूला देखते हैं? चूज फॉर्मूला। चूज का मतलब क्या? देखो ये नंबर हमने लिखा है 1, 3, 2, ऐसे नंबर लिखा है बराबर है। इधर भी ऐसे नंबर लिखा है 1 से लेके 3 तक, और इसमें हमने एंट्री करके रखा है। तो पहले नंबर के ऊपर कौन सा एंट्री है? अमित। सेकंड नंबर के ऊपर कौन सा एंट्री है? दीपक। और थर्ड नंबर के ऊपर कौन सा एंट्री है? प्रसाद। बराबर। तो अगर आप चूज फॉर्मूला यूज करोगे और इधर 1 लिखा, तो 1 नंबर का एंट्री कौन सा? अमित ना, तो अमित शो करेगा फर्स्ट एंट्री। सेकंड नंबर के लिए क्या लिखा है? दीपक। और थर्ड नंबर के लिए प्रसाद। तो देखो लिखा इधर, वही मैं अगर इधर 2 लिखता हूँ तो 2 के लिए क्या शो करेगा? जैसे दीपक शो करेगा। देखो समझ रहे? तो ये क्या करेगा? चूज फॉर्मूला हमें बताएगा कि कौन सा एंट्री फर्स्ट है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड है। तो चूज फॉर्मूला कैसे करने का? देखो इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो इधर क्या करने का? डायरेक्टली मैं ले सकते हो फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, इसमें नहीं मिला तो ऑल में जाने का, और क्या लोगे आप? चूज करके फॉर्मूला लेने का। देखो आ रहा है इधर, ओके कर दिया। अरे सबसे पहले क्या पूछता है? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में ये पहला वाला सेल आ जाएगा हमें, है। और वैल्यू में आपको पहले इधर एंट्री करके रखना पड़ेगा कि पहला नंबर का एंट्री क्या चाहिए आपको? अमित चाहिए, तो लिखो इधर अमित करके, नीचे क्लिक कर दो। सेकंड नंबर का एंट्री क्या चाहिए? दीपक, मतलब सेकंड नंबर डालेगा तो दीपक आएगा। और थर्ड नंबर के लिए एंट्री क्या आएगा? प्रसाद। बरा हम तीन ही लिखते हैं सपोज। इसका मतलब क्या है कि इधर वो चेक करेगा कि पहला एक नंबर लिखा रहेगा तो अमित का एंट्री शो करेगा, बरा वैल्यू पहली आएगी ना। दो नंबर क्लिक करोगे तो दीपक शो करेगा, और थर्ड नंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो प्रसाद शो करेगा, और बाद में ओके करते इधर। अरे जैसे इसको ड्रैग करोगे देखो अपने आप आ जाएगा इधर, बता रहे इधर सेकंड नंबर है तो दीपक शो करेगा एंट्री, है ना। कैसे करोगे बोलो जरा? आप परसेंटेज वगैरह भी दे सकते हो, कैसे आएगा? इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो। चूज ब्रैकेट ओपन, पहला इंडेक्स नंबर मतलब ये वाला आएगा, बरा फर्स्ट वाली सेल कॉमा दे दे। अभी आपको वैल्यू जो जो लिखने का लिख सकते हो आप। सपोज हमने क्या लिखा? 10%। सेकंड वाला क्या लिखा? 15%। अगेन कॉमा देके कितना लिखा? 20%। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हो गया इतना। बाद में इंटर कर दो, बता रहे 20% थर्ड के लिए। अरे देखो वापस कैसे करते, इक्वल टू चूज है ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया, पहला नंबर सिलेक्ट करने का ये वाला, कॉमा देने का, और बाद में आपको जो भी परसेंटेज का वैल्यू चाहिए लिख दो इधर। फर्स्ट वैल्यू, दूसरा क्या है? 15%, और थर्ड क्या है? 20%, और एंटर कर दो। लेकिन देखो इधर तो बराबर परसेंटेज आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा क्यों आ रहा है? तो अगर ऐसे आ रहा है तो क्या करने का आपको? ये परसेंटेज का चेंज करने का है। होम में जाते ही देखो इधर जनरल नंबर आ रहे हैं, तो जनरल नंबर की क्या जगह क्या रखोगे आप? परसेंटेज लिखने का आ रहा है, लेकिन ये दो डॉट एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो कम कैसे करोगे? डिक्रीज डेसिमल करने का, जैसे आया समझ में? बाद में ड्रैग कर दो, आएगा ऐसे समझ में, समझेगा। तो चूज फॉर्मूला क्या करता है? जो एंट्री पहला किया रहेगा वो एक नंबर के ऊपर शो करेगा, एक नंबर लिखा तो अमित शो करेगा, है ना। दो नंबर लिखा रहेगा तो दीपक शो करेगा, समझेगा ऐसा।